दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे नहीं आशाओं के साथ। मैं आज एक और नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आज का ब्लॉग मैं भी कर रही हूँ सुबह से स्टार्ट। आज मैं कुछ घर में कुछ ढूंढ रही थी, मतलब कुछ कागज़ ढूंढने थे तो कागज़ तो नहीं मिला। वहाँ से इनका फ़ोन आया था, कोई पासबुक दे नहीं थी इनको तो वो तो नहीं मिल पाई। लेकिन उसकी जगह मुझे कुछ मिला जो मेरी शादी से पहले का है, अभी का नहीं है, मतलब यानी कि 13-14 साल पहले की चीज़ मुझे आज मिली, जो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसे दिखाऊँ, क्योंकि अब तो इन चीज़ों का चलन रहा नहीं, पहले काफ़ी था। तो हम लोगों ने मतलब ये भी करा है, ये काम भी करे हैं, तो मुझे मिला तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि नई नई चीज़ों को आजकल ये चीज़ें देखने को लगभग वैसे समाप्त ही होगी, क्योंकि हमने भी नहीं लगाई हैं। मेरी बनी हैं वो चीज़ें, वैसी रखी पड़ी हैं, उनका यूज़ नहीं हो पाया। मैं तो शादी के बाद यूज होगा, लेकिन वो वैसी रखी पड़ी हैं, शायद ऐसी रहेंगी, ऐसी फिर फेंकनी पड़ेंगी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को, तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये मैंने एक ये बनाए हैं ताजमहल, इसको फ्रेम करना था तो ये ऐसी रखा है ये अभी तक, तो ये ऐसी रहेगा। ये अब तो ये गंदा भी हो गया पूरा, पहले व्हाइट टू कलर, ब्लैक और व्हाइट काफ़ी सुंदर चमकता था ये, तो अब ये हो गया गंदा। ये देखिए, ये देख सकते हैं कलाकारी, काफ़ी मेहनत इसमें लगती थी तब। और दिखाती हूँ खड़े वैसे दिखाता। ये देखिए, ये है फैब्रिक पेंटिंग में बनाई हुई डॉल। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये भी है, ये है वेलकम करती हुई। पहले बहुत चलन था इन चीज़ों का, तो मैंने ये बनाए थे सब, लेकिन अभी फ्रेम करने के बिना वैसे ही पड़े हुए हैं ये देख सकते हैं। और तो इसके बाद ये है राधा कृष्ण की, ये देख सकते हैं, ये देखिए इतनी पुरानी चीज़ें भी अभी भी। और ये है, एक मिनट, ये उल्टा है, इसको दिखाते हैं उल्टा करके। ये देखिए, ये है हॉर्स, ये हॉर्स है ना मेरा, हाँ। अब तो मैं ही भूल गई, क्योंकि इतने सारे बनाए हुए तो मैं ही भूल गई क्या है क्या नहीं है करके। और है इसके बाद ये भी वेलकम करती हुई लेडी है, लग रहा ना बट्टू मेरा। आप तुम बना सकते हो ऐसा बताओ। ये है फ्लावर, और लास्ट में है आप क्या बच्चा है, एक और है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई के सही फुर्सत नहीं होती है, हमने ना उसके अलावा भी ये देख सकते हैं कि ये है, इतनी तो मेरी पेंटिंग है। ये चीज़ें अभी मेरी अधूरी ही बनी थी, ये वैसी पड़ी हुई हैं। ये चादर देखिए, चादर बनाने के लिए लाए थे, तो ये वैसी इसमें, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये चादर भी पेंटिंग करी हुई, ये रखे रखे ही गंदी हो गई हैं, यूज़ तो इनका हुआ नहीं, ये गंदी हो गई है। इसके साथ में है ये पिलो कवर, अब इन्हें मैं नीलामी के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, ये पिलो कवर है, और एक है ये है मेज पोस। ये देखिए, पहले काफ़ी चलन था इन चीज़ों का, ये तो कंप्लीट नहीं बनाया इसको, तो अभी मैंने खाली कुछ नहीं, खाली ऐसे कलर करके छोड़ दिया था, वैसे ही पड़ा है। और ये बनाई थी एक चादर हाथ से, ये देखिए एक चादर ये थी, ये तो बिछाई तो थोड़ी गंदी हो गई है, एक चादर ये है, एक ये भी बन मिला है, ये भी छोटे टेबल के लिए बनाया था ये तो खैर अभी भी टेबल में बिछाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये पीछे से वाइट है ये, लेकिन छोटी वाली दीदी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया ये उसने बनाया था, ये उसने दिया था मुझे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपनी शादी से पहले की कुछ कलाकृतियां आप लोगों के सामने पेश करी। काफ़ी समय इसमें लगता था, काफ़ी पैसा भी लगता था आज, लेकिन इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बना के रखे हैं, क्योंकि अपनी मेहनत में इसमें लगी है तो हमें तो बहुत पसंद है, तो मैंने रख रखे हैं बना के। और जब फेंकने का मन को करता है नहीं, तो
ऐसे ही रखे पड़े हैं ये आटे जी, मैं बिल्कुल इतने उससे पैक करके आज कुछ सामान है तो मिल गए तो दिखाया आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अपनी वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।